नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के विदिशा के पठारी थाना प्रांगण में थाना प्रभारी, तहसीलदार, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ नागरिकों की उपस्थित में शांति कमेटी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस शांति समिति की बैठक का आयोजन आगामी होली और रंग पंचमी त्योहारों को देखते हुए की गई है। इस अवसर पर लोगों के द्वारा शांतिपूर्ण होली और रंग पंचमी का त्यौहार मनाने की अपील की गई तथा साथ ही साथ यह भी कहा गया कि होने वाले होली और रंग पंचमी के त्यौहारों पर ऐसे कृत्य ना किए जाएं जिससे किसी की भी धार्मिक धारणाएं आहत हो और शांति की व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो सके। आपको बता दें कि रंगों का त्यौहार होली शांति एवं सद्भाव से मनाए जाने के लिए थाना प्रांगण में प्रभारी तहसीलदार सी के ताम्रकार एवं थाना प्रभारी महेंद्र साकी की उपस्थित में नगर के सभी जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, पत्रकार बंधुओं की उपस्थित में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में लोगों ने होलिका दहन से लेकर होली तक चल समारोह आदि पर अपने विचार व्यक्त किए। थाना प्रभारी महेंद्र साकी ने बताया कि रंग पंचमी के दिन भाल बमोरा चौराहा पर वाहनों की चेकिंग एवं मोबाइल टीम के द्वारा सतत निगरानी की जाएगी। पठारी में हर वर्ष होली दोज के दिन खेली जाती है, इस वर्ष भी दोज के दिन ही होली खेली जाएगी। होली में चल समारोह में डीजे पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। वही शांति समिति की बैठक के बाद राजस्व विभाग एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा नगर के प्रमुख मार्गों पर फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। इस अवसर पर समस्त पुलिस स्टाफ सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। आज जो अपना भविष्य में होली का त्यौहार है उसको शांति और सद्भावपूर्ण मनाने के लिए पठारी क्षेत्र थाना अंतर्गत अपने जो भी गणमान्य और जनप्रतिनिधिगण के साथ में एक शांति समिति की बैठक रही है। होली सद्भावपूर्वक मनाने के लिए सभी लोगों से चर्चा की, जिसमें किसी बाहरी व्यक्ति अपरिचित के ऊपर रंग न डाला जाए, हरे भरे पेड़ों को ना काटा जाए होली के लिए, सभी की सहमति से ऐसे स्थानों का चयन किया जाए जहां किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो और माननीय कोर्ट के पालन में किसी जो प्रतिबंधित डीजे और सबका उपयोग ना किया जाए, इस प्रकार की चर्चा सभी लोगों से की गई। फ्लैग मार्च निकाला गया है आज ये थाना पटारी क्षेत्र अंतर्गत में होलिका दहन की त्यौहार को देखते हुए आज शहर में सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से एक फ्लैग मार्च निकाला गया है और लोगों को ये समझाइश दी गई है कि वो सुरक्षित स्थान पर होली का दहन करें और किसी भी अनापत्तिक जन के लोगों को समझाइश दी गई है कि वो जाके कोई ऐसा उड़ंग वगैरह ना करें जिससे कि होली का दहन में अभिभावक उपस्थित हो और शांतिपूर्वक तरीके से त्यौहार मनाया जा सके। सुरक्षा को मायने रखते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया है सिटी में। हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।